जय हिंद एवरीवन सभी को जय हिंद वेलकम बैक अनदर वीडियो उम्मीद करता हूँ प्यार दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे आप सभी के भाई जो भी अपडेट देगा एकदम सबसे पहले और सबसे फास्टली इंफॉर्मेशन देता है दोस्तों किसी भी यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को नहीं मिलेगी ये जो अपडेट निकल गया है दोस्तों एयरफोर्स नई भर्ती दो की जी हाँ दोस्तों मैंने आप सभी को बताया था फाइनली वैकेंसीज आना स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों साढ़े वैकेंसी है जो कि पास की गई है और यहाँ पर देखिएगा दोस्तों अभी फिलहाल एयरफोर्स ग्रुप सी नई रिक्रूटमेंट निकल के दो हज़ार चौबीस का फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट आया है ये पहले के वाला जो एडवर्टाइजमेंट है वो एल डी सी का एडवर्टाइजमेंट है वो अलग से आया है दोस्तों फिर उसके बाद एक और एल डी सी का एडवर्टाइजमेंट आया है सेकेंड एडवर्टाइजमेंट और इसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों ये एक और नया एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया दोस्तों यहाँ पे दिखा ग्रुप सी का जो कि ग्रुप सी पोस्टों का ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है यहाँ पे दिखाया एम टी एस एल डी सी कुक फायरमैन स्टेनोग्राफर आया और सफाई वाला के पदों पर भर्ती आउट की गई है जी हाँ दोस्तों फॉर्म कब से शुरू होने वाला है इसमें मेल फीमेल दोनों के दोनों कैंडिडेट है वो सभी अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकती क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली एज क्या रहने वाली एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा ऑफिशियली नोटिफिकेशन जो कि आउट हो चुका है आप सभी को कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ वीडियो अंत तक देखते रहिएगा अगर आपके भाई की वीडियो पसंद आती है और सबसे पहले अपडेट मिलती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेलाइकन प्रेस कीजिएगा क्योंकि ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से वैकेंसी की जानकारी आती रहती है हमारे चैनल के ऊपर ओके तो चलते हैं आज की ऑप्शन नोटिफिकेशन की और देखिए दोस्तों अब बहुत से दोस्त ये बोलेंगे कि ये वैकेंसी फर्जी है देखिए दोस्तों ये जो वैकेंसी है आपको जो नेक्स्ट जो न्यूज़पेपर आएगा उसमें ये इसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो देखने को मिल जाएगा दोस्तों भारतीय वायुसेना की तरफ से वैकेंसी है जो कि पब्लिश की, की गई है और देखिए अलग अलग जो सेंटर है यहाँ पर देखिए दोस्तों डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट यहाँ पर मैं आप सभी को दिखा देता हूँ अलग अलग यूनिट से वैकेंसी आएगी दोस्तों हेडक्वार्टर साउथर्न वेस्टर्न एयर कमांड यूनिट यहाँ से वैकेंसी आई है एक और मैं बता दूँ और भी जो बहुत सी यूनिट है कम से कम सात से आठ यूनिट्स है जहाँ से वैकेंसीज आउट की गई है ठीक है यहाँ पे मैं वैकेंसीज की जानकारी दिखा देता हूँ दोस्तों और सारे के सारे स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर देना मैं आपको फॉर्म भरने की वीडियो डाल दूंगा क्योंकि हमारे चैनल पे जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी तुम धाँसू मिलेगी भाई मैं आपको फॉर्म भरने का तरीका बताऊंगा आपका एडमिट कार्ड है जो कि हंड्रेड परसेंट आएगा ठीक है और एग्जाम नोट्स पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा क्योंकि उन्हीं में से क्वेश्चन है वो देखने को मिलने वाले हैं ठीक है आप सभी को पता होगा मेरा तीन जगह पे सिलेक्शन हुआ था ओके और फाइनली मैंने ज्वाइन कर लिया है आप सभी को पता होगा मैंने आर्मी में ज्वाइन किया है दोस्तों ओके यहाँ पे देखिए दोस्तों ड्राफ्टमैन की वैकेंसी है जो कि एसटी की एक पोस्ट है चाहे एक पोस्ट हो जरूर अप्लाई करना दोस्तों यहाँ पे देखिए इस सेंटर पे ये वैकेंसी है जो कि निकल के आई है जोधपुर से वैकेंसी निकल गई है पैंतालीस एयरफोर्स स्टेशन से वैकेंसी आउट की गई है उसके बाद यहाँ पर देखिए दो कलरक हिंदी टाइपिस्ट की एक वैकेंसी है दोस्तों ओके हिंदी टाइपिस्ट की एक वैकेंसी है जो कि ये मुंबई से वैकेंसी निकल गई है दोस्तों यहाँ पे देखिए सिक्स एयरमैन सिलेक्शन सेंटर ठीक है मुंबई से वैकेंसी निकल गई है उसके बाद एमटीएस की यूआर की एक पोस्ट है मुंबई से उसके बाद कल रख हिंदी टाइपिस्ट की वैकेंसी दोस्तों मुंबई से निकल के आई दोस्तों मिलिट्री कैंप से वैकेंसी निकल गई है उसके बाद एल की देख सकते हो फायरमैन की वैकेंसी देख सकते हो जहाँ पर आपको ये लगता है कि मेरी कैटेगरी में वैकेंसी है जैसे कि ओ में एक पोस्ट है तो आप प्लीज़ एक पोस्ट पर ही अप्लाई करना दोस्तों ठीक है मैं आपको यही राय दूंगा अगर आपकी पोस्ट एससी में एक सीट है तो आप एससी में ही अप्लाई करना ठीक है जहाँ पे तीन सीट है यूआर में तो आप यूआर में अप्लाई मत करना कंपटीशन बहुत मतलब कि यूआर में तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है उसमें एस सी एस टी ओ सभी अप्लाई करते हैं ठीक है ये चीज़ ध्यान दीजिएगा और इसकी जो कट ऑफ है वो कैटेगरी वाइज ही लगती है इस चीज़ का जरूर ध्यान रहना ठीक है, है? यहाँ पे देखिए दो दोस्तों फायरमैन की ओ की एक वैकेंसी है ठीक है इसमें ओ वाले स्टूडेंट ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूँ मेल एंड फीमेल दोनों के दोनों कैंडिडेट के हैं लड़का हो या लड़की दोनों के दोनों स्टूडेंट हैं वो सभी अप्लाई कर सकते हैं चाहे वो लड़का हो या लड़की उसके बाद यहाँ पे दिखाए एम की एम की ओ की दो वैकेंसी है उसके बाद एस की एक वैकेंसी है जो कि कहाँ से निकल के आई दोस्तों डोड्रा जो कि गुजरात से वैकेंसी निकल के है दोस्तों अच्छी खासी वैकेंसी है उसके बाद यहाँ पे देखिए कलरक हिंदी टाइपिस्ट की वैकेंसी दोस्तों ओके और भी वैकेंसी देख सकते हो सुप्रीटेंट स्टोर की वैकेंसी दोस्तों पुणे से वैकेंसी निकल के है ओके उसके बाद एल की है और यहाँ पर ड्राइवर की भी वैकेंसी दोस्तों कुक की वैकेंसी एक है एम की वैकेंसी है उसके बाद यहाँ पर सफाई वाला की वैकेंसी है टोटल यहाँ पर कितनी वैकेंसी निकल के हैं सफाई वाला के यहाँ पे ग्यारह वैकेंसीज आउट की गई है जो कि पूना से वैकेंसी आई है उसके बाद आया कि एक वैकेंसी इसमें मेल कैंडिडेट इसमें फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकती है आया पोस्ट में ठीक है बाकी पोस्ट में भी अप्लाई कर सकती है एम में अप्लाई कर सकती है एलिजिबल है कुक में भी अप्लाई कर सकती है ऐसी बात नहीं कि नहीं अप्लाई कर सकती कर सकती है ठीक है उसके बाद एम का अगर आपको इसका फॉर्म चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं अभी मैं आपको बता दूँ इसका जो एडवर्टाइजमेंट है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में अभी जो नेक्स्ट न्यूज़पेपर आएगा शुक्रवार के दिन ठीक है शनिवार के दिन ठीक है उसमें ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो पब्लिश हो जाएगा दोस्तों हंड्रेड परसेंट गारंटी है बाकी ये जो यूनिट है वहाँ से भी वैकेंसीज जा आ जा जाएगी टोटली यहाँ पे वैकेंसी सात हज़ार पाँच सौ साढ़े सात हज़ार के समथिंग है वैकेंसी जो कि आउट की गई है ठीक है धीरे धीरे अलग अलग यूनिट से वैकेंसीज जा आएगी सभी पोस्टों में अप्लाई करना ऑफलाइन तरीके से फॉर्म फॉर्में फिल करना पड़ेगा ठीक है जितने भी स्टूडेंट है टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना और मेरा व्हाट्सअप नंबर ले लीजिए दोस्तों ठीक है ये व्हाट्सअप नंबर है कोई भी डाउट है कोई भी क्वेरी है एग्जाम नोट्स पी या फिर फॉर्म चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करके ले सकते हैं ठीक है इसके बाद यहाँ पर देखिए एम एम की पोस्ट है दोस्तों वडोदरा गुजरात से वी कैंसी निकल के हैं वड़ोदरा गुजरात से निकल गए हैं उसके बाद नीचे देखिए दोस्तों जामनगर गुजरात से वी कैंसी निकल के है दोस्तों एम टी सफाई वाला कुक एम जो कि ड्राइवर की भी वैकेंसी है उसके बाद एलडीसी की वैकेंसी देख सकते हो राजस्थान से वैकेंसी निकल के है सफाई वाला एम टी एस यहाँ पर देखिए और भी वैकेंसीज हैं जैसे कि मे स्टाफ की वैकेंसी दो वैकेंसी है गांधी नगर गुजरात से उसके बाद यहाँ पर पे देखिए पेंटर की वैकेंसी दोस्तों जोधपुर से वैकेंसी ठीक है एक एक दो दो वैकेंसी है मतलब आना स्टार्ट हो चुका है जल्द ही आपको आर्मी की भी भर्तियाँ देखने को मिलने वाली है कुक्की सफ़ाई वाला की देख सकते हो जैसलमेर से वैकेंसी निकल के है उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों जोधपुर से वैकेंसी निकल के है आया की सफाई वाला की कुकी और एम टी एस की मेस की ठीक है सभी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं ऐसा नहीं है और इसमें मैं आपको बता दूँ आपकी जो एज मांगी गई है अलग अलग पोस्ट के हिसाब से मांगी गई है देखिए मे स्टाफ की वैकेंसी है दोस्तों जो कि यहाँ पर देखिए तो गुजरात से वैकेंसी निकल के है ओके जोधपुर से ये अलग अलग सेंटर गए अलग अलग सेंटर है तो अलग अलग ही फॉर्म आपको अप्लाई करना पड़ेगा ठीक है इस चीज़ का जो ध्यान देना यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट है हमारे पास सबसे पहले आ जाता है दोस्तों ठीक है इक्कीस दिन के अंदर जैसे ही इम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में पब्लिश होता है आपको इक्कीस दिन के अंदर ये फॉर्म भर के भेज देना है ठीक है यहाँ पर देखिए दोस्तों वुमेन कैंडिडेट वुमेन कैंडिडेट किस पोस्ट के लिए अप्लाई करेगी वो मैं आपको बता देता हूँ जो भी लड़कियाँ हैं वो आया पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकती है उसके बाद कुक के लिए अप्लाई कर सकती है एमटीएस के लिए अप्लाई कर सकती है ड्राइवर में अप्लाई नहीं कर सकती ठीक है इस चीज़ का जो ध्यान देना ठीक है यहाँ पे देखिए दोस्तों मैं आपको इनकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की डिटेल दे देता हूँ एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखिए दोस्तों ड्राफ्ट मैन में दसवीं पास होना चाहिए ठीक है और टू ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए दोस्तों रिलेटिव ट्रेड से ठीक है उसके बाद कल रख हिंदी टाइपिस्ट की प्लस टू पास होना चाहिए दोस्तों ओके पच्चीस वर्ड पर मिनट की आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए तो आप इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई कर सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसके बाद एल में यहाँ पर बारहवीं पास स्टूडेंट है वो सभी अप्लाई कर सकते हैं किसी भी स्ट्रीम से चाहे आप आर्ट्स से हो कॉमर्स से हो और इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा कोई भी परसेंटेज का को, कोई भी रोल नहीं रहने वाला सभी का जो कॉल लेटर है वो आने वाला है ठीक है उसके बाद यहाँ पर देखिए सुपरिटेंडेंट स्टोर की वैकेंसी जो कि ग्रेजुएशन पास स्टूडेंट है वो सभी अप्लाई कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बताया है स्टोर एक्सपीरियंस जिस भी स्टूडेंट के पास स्टोर एक्सपीरियंस नहीं है प्राइवेट सेक्टर से वो ले सकते हैं अगर आप को लेना है तो ठीक है इसमें ये होगा अगर दोनों के नंबर ज़्यादा है जिसके पास एक्सपीरियंस है तो उसको लिया जाएगा ये चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों वैसे डिजायरेबल में है अगर है तो ठीक है वरना नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है लगा दोगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा उसके बाद एम ठीक है जो कि ड्राइवर की पोस्ट है दोस्तों दसवीं पास स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं लाइट लाइट लाइसेंस होना चाहिए और हैवी लाइसेंस होना चाहिए तो आप इसमें एलिजिबल हैं ठीक है आपका मिनिमम टू ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है जो कि कंपलसरी है जिस भी स्टूडेंट के पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है दोस्तों ठीक है उसके बाद फायरमैन की दसवीं पास स्टूडेंट है वो सभी अप्लाई कर सकते हैं बाकी आपको फायर का डिप्लोमा इन्होंने फायर का डिप्लोमा है तो ठीक है नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बट आपका फायर का टेस्ट लिया जाएगा दोस्तों ठीक है इस चीज़ का यहाँ पे इन्होंने बताया दोस्तों ठीक है फायर सर्टिफिकेट कोर्स कंपलसरी है इन्होंने मांगा है ठीक है फायरमैन के लिए तभी आप इसमें एलिजिबल हैं उसके बाद पेंटर में आई टी आई हैं तो आप इसमें एलिजिबल हैं ठीक है और वैक्यू क्लीनर की वैकेंसी दोस्तों जो कि आठवीं पास स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं एक्सर्विसमैन अप्लाई कर सकते हैं कुक में यहाँ पे देखिए दोस्तों दसवीं पास स्टूडेंट है वो सभी अप्लाई कर सकते हैं ठीक है और इन्होंने मांगा है सिक्स मंथ एक्सपीरियंस जिस भी स्टूडेंट के मैं आपको बार बार बोलता हूँ एक्सपीरियंस नहीं है तो व्हाट्सअप पे मैसेज कर लेना ये आपके बहुत काम आएगा दोस्तों ठीक है और भी वैकेंसीज आने वाली है फिर मत बोलना कि बताया नहीं था भाई एक ही भाई जो भी इन्फॉर्मेशन देता है एकदम रियल देता है ऑथेंटिक देता है कोई भी फेक इन्फार्मेशन नहीं देगा ठीक है यहाँ पे देखिए मेरे स्टाफ के लिए यहाँ पे दसवीं पास स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों और डिजाइवल में वन ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है एम पोस्ट के लिए यहाँ पे देखिए दोस्तों दसवीं पास स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं सफाई वाला में सिर्फ दसवीं पास स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं आया में यहाँ पे दसवीं पास स्टूडेंट है वो सभी अप्लाई कर सकती है महिलाएं केवल फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं और डिज, डिजायरेबल में यहाँ पे देखिए दोस्तों वन ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है हॉस्पिटल्स वगैरह से नर्सिंग होम वगैरह से आपके पास है तो आप इसमें एलिजिबल है अप्लाई कर सकती है ठीक है यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें एज दी गई अठारह से लेकर पच्चीस साल तक के हैं यू आर कैटेगरी अठारह से लेके पच्चीस साल एस सी एस टी को पाँच साल की छूट मिलने वाली है ठीक है ये चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों एस सी एस टी को पाँच साल की छूट मिलने वाली यानी कि एस सी एस टी तीस साल तक अप्लाई कर सकते हैं ओ बी सी को तीन साल की छूट मिलेगी अट्ठाईस साल तक ओ बी सी वाले अप्लाई कर सकते हैं और यू आर वाले पच्चीस साल तक अप्लाई कर सकते हैं और जिसकी एज चली गई है कोई दिक्कत वाली बात नहीं टेंशन नहीं लेना कोई भी डाउट है तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं ये जो वैकेंसी है आउट हो चुकी है आउट हो चुकी है नोटिफिकेशन एक के भाई के पास जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी एकदम सौ टक्का मिलेगी भाई ठीक है हंड्रेड परसेंट गारंटी है ये जो नोटिफिकेशन है आ चुका है ओके और जल्दी आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में देखने को मिल जाएगा वेबसाइट पे भी हमारी वेबसाइट है नौकरी न्यूज उस वेबसाइट पर जाके आप विजिट कर सकते हो ओके डाउनलोड कर सकते हो जैसे ही नोटिफिकेशन न्यूज़ में आएगा नेक्स्ट न्यूज़ में मैं वीडियो डाल दूंगा ओके मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत वंदे मातर लव यू दोस्तों